हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी ये डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके नेक एंड स्लीव पर हमने एम्ब्रॉयडरी की है। एंड ये एम्ब्रॉयडरी मैंने सिंपल सिलाई मशीन से की है और साथ में हमने ये मिरर वर्क किया है। सो गाइज, बनाने के बाद ये जो कुर्ती का लुक है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन बना है। एंड आजकल ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में भी है। सो इस तरह के नेक और स्लीव डिज़ाइन काफ़ी कॉस्टली मिल रहे हैं मार्केट में। सो ये जो डिज़ाइन है हमने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक के साथ बनाया है। एंड ये फैब्रिक बहुत ही चीप रेट पर मार्केट में मिल जाता है, लगभग 30 से 40 पर मीटर के हिसाब से ये मिल जाता है। सो ये हमारी बिल्कुल रेगुलर सिंपल कुर्ती है। इसके नेक पर और स्लीव पर जो हमने डिज़ाइनिंग की है उसके लिए आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपनी सिंपल रेगुलर कुर्ती कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर जो कुर्ती का मेजरमेंट है वो देख सकते हैं, तो आपकी जो रेगुलर कुर्ती मेजरमेंट है उसी के बेस पर आपको ये स्लीव एंड कुर्ती कट कर लेना है। एंड ये कुर्ती और स्लीव हमने 2 मीटर फैब्रिक से कट की है, तो सिंपली जो भी लेंथ आपको रखनी है उसी के हिसाब से इसको कट कर लेना है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर लिया है, ये पेस्टिंग पेपर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 14.5 इंच ली है और जो चौड़ाई ली है वो 14 इंच ली है। सो इस तरह से लेंथ है, तो लेंथ वाइज हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। एंड इसके बाद ओपन वाली साइड से यहाँ से हम 5 इंच पर ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को हम फोल्ड वाली साइड पर इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो ये कटिंग कुछ इस तरह से होगी। तो बस हमारा ये फ्यूजिंग पेपर की कटिंग हो गई है, सेंटर का एक नॉच लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारा फ्यूजिंग पेपर है इसमें एक तरफ जो होता है वो काफ़ी ग्लू होता है, शाइनिंग होती है, और एक तरफ रफ सा होता है। सो जिस तरफ शाइनिंग यानी ग्लू होता है उसको हमने फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरह से सेंटर मिलाकर रखना है। कुर्ती और फ्यूजिंग पेपर का जो सेंटर है उसको हम बराबर मिलाकर रखेंगे और आयरन की हेल्प से उसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जो हमारी सिंपल जो स्लीव है इसकी लेंथ और विड्थ हमने अपने कुर्ती के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख लेना है इस तरह से। अब जो स्लीव की ओपनिंग है जितना फोल्ड करना है उस पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर देंगे, तो इतना फैब्रिक हमारा फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हमने इसके लिए भी सेम फ्यूजिंग पेपर लिया है। सो इस तरह से लगभग ये हमारा 12 इंच रहेगा और इस तरह से ये हमारा लगभग 10 इंच रहेगा। अब इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है। सो लीजिए, यहाँ से ये 5 इंच है और जो इसकी लेंथ है ये 6 इंच है। तो 6 इंच हमारी जो है मोरी है, यानी मोरी की चौड़ाई है, तो मोरी की चौड़ाई के हिसाब से हमने 6 इंच लिया है और जो इसकी लेंथ ली है वो 5 इंच ली है। अब देखिए, ओपन वाली साइड में हमने ऊपर की तरफ इसका हाफ मार्क कर लेना है जो है 2.5 इंच। अब इसको भी हमने ऊपर कॉर्नर में इस तरह से तिरछा करके मिला देना है और इसको कट कर लेना है। तो वही पैटर्न हम स्लीव पर भी बनाएंगे जो हमने नेक पर बनाया है। तो लीजिए, ये हमारे 2 पेपर फ्यूजिंग पेपर को हमने कट कर लिया है। सो यहाँ पर वही शेप आई है जो हमने नेक पर बनाई थी। अब इसको भी बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी स्लीव के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो जो हमारा फ्यूजिंग पेपर है उसकी ग्लू वाली साइड को स्लीव की रॉन्ग साइड पर इस तरह से रखना है और जो मार्जिन वाला फैब्रिक है वो आगे की तरफ निकाल कर रखेंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमने स्लीव पर दोनों फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। आगे की तरफ जो हमने फोल्ड करना है फैब्रिक, इसको छोड़ते हुए हमने फ्यूजिंग पेपर चिपकाया है, ये फैब्रिक इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो दोनों स्लीव पर हमने अपना पेपर पेस्ट कर लिया है रॉन्ग साइड में। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हमने कुर्ती के नेक साइड में भी ये फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है और ये हमने रॉन्ग साइड में पेस्ट करके दोनों के सेंटर में एक आयरन से क्रीज बना ली है। अब देखिए, नीचे की तरफ से लगभग 1/4 इंच पर हम इस तरह से एक मार्क करेंगे। सो दोनों साइड में हमने नीचे की तरफ 1/4 इंच पर मार्क करना है। अब इस साइड भी हम 1/4 इंच पर मार्क करेंगे। एंड इसके बाद अब हमने जो नेक का सेंटर है जहाँ पर हमने क्रीज बनाई है यहाँ मार्क करना है। तो लगभग मैं 1/4 इंच पर सेंटर से इधर मार्क करूँगी और 1/4 इंच इधर मार्क करूँगी और उसके बाद मैं सभी मार्क को 1/4 इंच की दूरी पर करूँगी। आप यहाँ पर 1/2 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 इंच लिया है, तो सभी मार्क इस तरफ मैं 1/4 इंच कर दूंगी। एंड बिल्कुल इसी तरह से अब हम दूसरी साइड में भी 1/4 इंच की दूरी पर सारे मार्क करेंगे।
तो सभी मार्क को हमने बराबर पौन इंच की दूरी पर करते जाना है। इसके बाद आगे की तरफ भी हमारा पौन इंच बच रहा है जो कंधी से लेगी। अब देखिए यहाँ भी सेंटर में मार्क करेंगे और ये जो हमने मार्क किया है इस मार्क को अब हम सीधा कर लेंगे। और नीचे की तरफ ये मार्क हमने जो क्वार्टर इंच की लाइन ड्रॉ की थी पहले, सबसे पहले वहाँ तक हमने ये मिलाना है। अब इस तरह से सभी मार्क को हमने नीचे तक पौन इंच की दूरी पर बराबर सीधा करते जाना है। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो इंच टेप है उसकी जो चौड़ाई है वो भी लगभग पौन इंच की का गैप है, तो बस इंच टेप की हेल्प से हमने इसकी दूरी को मेजर करते हुए मार्क करना है। सो यहाँ पर सभी मार्क को मैं इंच टेप रखते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्केल की हेल्प से भी ये सीधे मार्क कर सकते हैं, पर देखिए इंच टेप से भी बहुत ही आसानी से ये मार्क सीधे सीधे हो रहे हैं। सो बस इस तरह से हमने ये मार्क सीधे कर लेने हैं एंड नीचे ये मार्क हमने जो क्वार्टर इंच की लाइन ड्रॉ की है वहीं तक ले जाकर रोकने हैं। सो सभी मार्क को हमने इस तरह से आगे तक कंप्लीट कर लेना है। एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी स्लीव पर भी देखिए मार्किंग की है और ऊपर की तरफ इसमें भी हमने क्वार्टर इंच मार्क किया है। इसके बाद अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल अपना जरी थ्रेड लिया है। ये जरी थ्रेड कई कलर में अवेलेबल है, सो आप अपने फैब्रिक के कलर के हिसाब से इसको ले सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर का लिया है। अब देखिए जो हमारा जरी थ्रेड है वो काफ़ी बारीक है, तो मैं इसको डबल करके लगाऊंगी ताकि जो मेरे फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी हो वो थोड़ी थिक हो। तो उसके लिए मैंने जरी थ्रेड को दो डिब्बियों में भर लिया है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इस थ्रेड के दोनों सिरों को पकड़ना है एंड इसके बाद अब मैं जो मेरी मेन डिब्बी है यानी बाबिन है इसको मैं इसके अंदर भरना स्टार्ट करूँगी एंड पूरी डिब्बी को इसी तरह से फिल कर लूँगी। तो जितनी भी ज़रूरत होगी हमने इसी तरह से जरी थ्रेड को भर लेना है। इसके बाद अब हमने अपनी डिब्बी में इसको इंसर्ट करना है इस तरह से। एंड अब देखिए जो हमारा जरी थ्रेड है वो डबल हो गया है, तो उसके लिए हमने ये वाला स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। सो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी तो इसकी हेल्प से ये आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये आसानी से बाहर निकल रहा है। इसके बाद अब हमने इसको मशीन में अपनी सेट कर लेना है एंड ऊपर वाला धागा हम फैब्रिक के कलर का लेंगे। आप चाहें तो जरी थ्रेड के कलर का भी ले सकते हैं, बट मैंने फैब्रिक के कलर का लिया है। सो नीचे से ये देखिए जरी थ्रेड आ गया है। अब हमने डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ से हम करना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है, यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। तो जो मशीन को हमने थोड़ा सा स्लोली चलाना है, इतना फास्ट नहीं चलाएंगे। अगर हम फास्ट चलाएंगे तो जरी थ्रेड नीचे से टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ आने के बाद जो हमने क्वार्टर इंच मार्क किया था यहीं तक आना है। इसके बाद इसको वापस में बैक करना है और उसी सिलाई के ऊपर हम फिर से एक सिलाई कर देंगे ताकि जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है ये डबल हो जाए। इसके बाद अब हमने यहाँ से धागा कट नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारा जो जरी थ्रेड है वो वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लेकर दूसरी साइड में करना स्टार्ट करेंगे और इसको भी हमने वहीं जाकर रोकना है जो हमने क्वार्टर इंच का मार्क किया था यहाँ तक। अब यहाँ से हम इसको फिर से टर्न कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी डबल वाली लाइन है और ये अभी सिंगल है, इस पर हमने फिर से दोबारा करना है तो ये भी डबल हो जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी जो मार्क किए हैं उन पर इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है जो हमने सिलाई करनी है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं सिलाई तो मशीन को बहुत तेज़ नहीं चलाना है, झटके से नहीं चलाना है, बहुत ही हमने स्लोली इस मशीन को चलाते हुए ये सिलाई करनी है। तो अगर मशीन तेज़ चलेगी तो नीचे से जो जरी थ्रेड है वो टूट जाएगा और यहाँ पर जो आपका वर्क है वो ख़राब हो जाएगा। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपका धागा ऊपर से ज़्यादा लूज़ है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि नीचे जो ऊपर का कलर का धागा है वो नीचे लूज़ नहीं होना चाहिए। एंड गाइज़ ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये हम किसी भी नॉर्मल मशीन से कर सकते हैं। मेरे पास अम्ब्रेला पैडल मशीन है जिससे मैं ये वर्क कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हैंड वाली मशीन से भी कर सकते हैं, यानी सिंपल मशीन से भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो इसकी निडल है वो भी वही लगेगी जो आप नॉर्मली डेली यूज़ करते हैं, कोई स्पेशल इसमें निडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में ये सब चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझा दूंगी।
तो लीजिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अपना सिंपल नॉर्मल नेक बना लेंगे, तो उसके लिए मैंने सेंटर में मार्क किया है। नेक की चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई 5.5 इंच है और इसको मैंने राउंड शेप में कट करके फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब सिंपली हम अपने नेक को सेंटर पर रखेंगे और नेक के गोलाई में एक सिलाई कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे 1/4 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए। अब हमने इस फैब्रिक में छोटे छोटे कट लगाने हैं जो हमने 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ा है इस तरह से। इसके बाद अब हम इसको बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने डबल साइडेड ट्रायंगल लेस ली है जिसको मैं नेक की गोलाई में इस तरह से रखूँगी और सेंटर में एक सिलाई लगा दूँगी। सो ये जो लेस है वो गोलाई में बहुत अच्छे से घूम जाएगी। सो इस तरह से सिंपली हमने ये लेस यहाँ पर लगा लेनी है। तो लीजिए तैयार है हमारा परफेक्ट नेक। अब हमने जो नेक के अंदर की बुकरम है उस पर हैंड स्टिच कर लेना है। सो इसकी गोलाई में हम तुरपाई कर लेंगे जिससे हमारे नेक में बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद अब हमने देखिए ये मिरर लिए हैं जिनकी जो इनकी शेप है वो कुछ इस तरह से है। सो ये पत्ती टाइप की शेप है। सो इसको हमने यहाँ इस तरह से रख कर चिपका लेना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा रख कर इस तरह से चिपका लेना है इस तरह से, और जो इनका गैप रहेगा वो लगभग 1 इंच रहेगा। सो इस तरह से 1-1 इंच के गैप पर मैं ये सारे मिरर लगा लूँगी। सो यहाँ पर मैंने छोटा साइज़ लिया है देखने में, और बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक लगा है। अब इसकी लेंथ में जितने भी आएंगे हम लगा लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जो 3 हमारे ये मिरर हैं इनको हमने कुछ इस तरह से ये शेप पत्ती की शेप देते हुए तीनों को इस तरह से यहाँ पर अरेंज करना है। सो इसका लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा नीचे से। तो देखिए इस तरह से सभी हमने मिरर लगा लेने हैं जितनी भी हमने यहाँ पर लाइन बनाई हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाई हैं सो हो सके तो वो सब मत पूछना, वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो लीजिए इसी तरह से हमने सभी मिरर लगा लिए हैं और बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी स्लीव रेडी की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्लीव का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया है जिस पर हैंड स्टिच कर देंगे और ऊपर से एक लेस लगा दी है, और दोनों साइड से हमने जितना मार्जिन रखना था उसको छोड़ते हुए हमने यहाँ पर मिरर लगाए हैं। अब ये स्लीव का शेप रहेगा। तो यहाँ आकर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कुर्ती का बैक नेक बनाएंगे, कंधी जोड़कर फिटिंग लगाकर अपनी स्लीव लगा लेंगे। सो यहाँ पर ये हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। एंड अगर आप ये प्लाज़ो का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप ये अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। एंड ये प्लाज़ो मैंने बहुत अच्छे से एंड डिटेल में बनाया है, जो बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है यानी प्लाज़ो ऊँचा नीचा हो जाता है और आसन की साइड से जो प्रॉब्लम होती है, सो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाया है। सो आप वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताई गई है। और इस अम्ब्रेला प्लाज़ो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि ये प्लाज़ो का वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट किया है। सो वो वीडियो देखकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर भी बहुत यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और आपको और ज़्यादा डिज़ाइनर कुर्ती एम्ब्रॉयडरी वर्क की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन पोस्ट कर रखे हैं। सो वहाँ पर आप गोटा वर्क के डिज़ाइन भी देख सकते हैं जो मैंने मशीन से किए थे। इसी के साथ वीडियो कम्प्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।